वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम वेलकम बैक टू चैनल के आज की वीडियो। कैसा लगा मेरा मजाक? So, इससे पहले कि मैं आपको बॉक्स के फ्रंट का ओवरव्यू दूं और सारी इन्फॉर्मेशन बताऊं जो भी इसके ऊपर मेंशनड है, हम पहले इसका रैपर उतारते हैं। और क्योंकि ये गेम समुराइज के ऊपर बेस्ड है और जैसा कि आप देख रहे हो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी एक समुराई है, तो हम इसका रैपर भी कुछ समुराई स्टाइल में ही खोलेंगे। भाई साहब आज ये निकल आया है हमारा समुराई स्वॉर्ड और इससे इसका रैपर जो है उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। एंड ऑल्दो मैं हाथ से उतार सकता हूँ बट नहीं। सो ये रैपर पूरा तरीके से तहस नहस हो चुका है इसका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये निकल आया हमारा बॉक्स। ओके, मुझे इस चाकू से रैपर फाड़ने की इतनी जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी में आपको प्राइस बताना भूल गया। और यहाँ पर देखो बॉक्स के ऊपर मेंशन था 3999 4000 रुपये, और आपको पूरी भी ऐसे ही मिल जाएगी सिर्फ 3700 रुपये यानी कि 3700 रुपीज़ की, यानी कि 300 रुपये का सीधे सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं एक बार इसका फ्रंट में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो बना हुआ है, आई गेस गोस्ट, इसी के लिए हम रेफर कर रहे हैं गेम के अंदर। एंड इसका नेम जो है वो जिन है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर लिखा हुआ है PS4 जैसा कि हर PS4 के डिस्क के ऊपर लिखा हुआ है, ओनली ऑन PlayStation, तो ये PlayStation एक्सक्लूसिव टाइटल है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड्स रिवर्सिबल कवर आर्ट जैसा कि हमने लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के टाइम पे भी देखा था। तो यहाँ पर मेंशनड है बीच में नाम गेम का जो कि है गोस्ट ऑफ सुशीमा, टी साइलेंट है बाय द वे। और यहाँ पर देखो एक बारी ओ के अंदर जो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं दो रेड कलर के, ऐसा नहीं लगता ये प्ले पॉज का सिंबल है? एक बारी मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, एक बार बताना मुझे कमेंट्स में आपको भी लगता है या नहीं। पैगी 18 क्योंकि यहाँ पर वायलेंस है। और यहाँ पर सकर पंच का लोगो दिया हुआ है, और उसके बाद फिर जब हम बैक पे करते हैं तो अ स्टॉर्म इज कमिंग एक बहुत बड़ा सा कोट लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड ये बहुत अच्छा मुझे स्टाइल लगता है सोनी एक्सक्लूसिव्स का, खासकर हमेशा गेम को डिफाइन करने के लिए एक कोटेशन लिखी होती है गेम के बैक साइड पर। थोड़ी सी स्टोरी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर फोकस कर देता हूँ इसको। और उसके बाद एक गेम का सीन मेंशन है जहां पर आई एम गेसिंग की जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो देखो यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि जैसे कि जापान के अंदर बिल्डिंग्स होती है ना, स्लोप डिजाइन वाली रूफ होती है जिनकी। एंड यहाँ पर अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देखो तो सिंगल प्लेयर गेम है, 45 GB मिनिमम स्टोरेज स्पेस आपको चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पर गेम के कुछ तीन स्पेशल फीचर्स मेंशन है। सबसे पहला है एक्सप्लोर एंशियंट जापान इन अ वास्ट ओपन वर्ल्ड एडवेंचर, सेट असाइड समुराई ट्रेडिशन, बिकम अ न्यू काइंड ऑफ वॉरियर, मास्टर द कटाना एंड डेवलप स्टेल्थ टैक्टिक्स। तो कटाना आई गेस ये जो स्वॉर्ड होते हैं समुराइज की उसको बोलते हैं। उसके अलावा साइड में भी यहाँ पर गेम का नेम मेंशन है वाइट कलर के बैकग्राउंड के ऊपर। और इस साइड से हम इसको खोल लेते हैं फटाफट से। ओके, यहाँ पर प्रेडेटर हंटिंग ग्राउंड्स का एक छोटा सा पोस्टर काइंड ऑफ दिया हुआ है आपको, और ये सीडी उल्टी हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल सा कवर आर्ट है जो डिस्क के कवर पे है, वही डिस्क के ऊपर भी है, शाइनी न्यू डिस्क। सो इसको साइड पे रखते हैं एंड रिवर्सिबल कवर आर्ट जो है वो देख लेते हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ इसको, पहले यहाँ से इसको हटा लेते हैं। सो ये वाइट कलर में यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है गोस्ट ऑफ सुशीमा, जो कि जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ये जैसे इसमें दिख रहा था वैसे ही दिखेगा। और शायद कैमरा पता नहीं कैच कर पा रहा है या नहीं, बट यहाँ पर एक मास्क बना हुआ है जो गेम के अंदर भी यूज़ होता है हमारे कैरेक्टर में। और इस साइड पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ये। तो इसको डाल के देखते हैं एक बारी।
सही है यार, बहुत सही लग रहा है ये। मतलब एक सर्टेन एंगल पे देखोगे तो बिल्कुल सही से दिखेगा ये मास्क, बट अगर आप एकदम टॉप से देखोगे तो थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा आंखों पर मेकआउट करने के लिए कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। और पीछे से बस सकर पंच का लोगो है, वो भी थोड़ा सा ब्लरी सा है, तो काफ़ी सही सी लग रही है ये पैकेजिंग मुझे। तो इसको ऐसे रहने देते हैं एंड फटाफट से डिस्क डालते हैं PS4 Pro के अंदर और देखते हैं HDR10 में गेम प्ले 4K में। सो गाइज, अब जो कैमरा की कलर सेटिंग्स है वो मैंने ऐसे कर दिए कि जैसा मेरे को रियल में टीवी दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसी ही कलर प्रोफाइल आप लोगों को भी दिखेगी। तो अब डालते हैं फटाफट से PlayStation 4 Pro के अंदर इसके डिस्क एंड देन देखते हैं कि 4K HDR10 के अंदर इसका गेम प्ले कैसा लगता है। सो एकदम से भी यहाँ पर 34 GB लिखा हुआ आया था, अब 18 GB लिखा हुआ आ गया फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। और इसको लगभग 20 मिनट लगेंगे जैसे आप देख रहे हो इंस्टॉल होने में, तो 20 मिनट बाद दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर गेम तो इंस्टॉल हो गई है, बट इसका अपडेट भी आ चुका है जो कि है लगभग 3.5 GB का, और उसको भी लगभग 20 मिनट लगेंगे डाउन होने में। ऑल्दो एक बार देख लेता हूँ क्या अपडेट के बिना यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ गेम को। तो यहाँ पर ऑप्शन तो आ रहा है स्टार्ट गेम विदाउट अपडेटिंग, एंड आई थिंक हो भी जाएगी क्योंकि ऑनलाइन मोड का तो कोई चक्कर है नहीं। तो एज यू कैन सी गाइस, आप स्टार्ट तो कर सकते हो गेम को बिना अपडेट के भी, बट मैं यहाँ पर अपडेट होने देता हूँ एंड देन उसके बाद ही मिलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस, गेम का अपडेट भी इंस्टॉल हो चुका है। नाइस, कलर्स बहुत सही लग रहे हैं HDR में। वॉरियर्स ऑफ सुशीमा, ये ग्रास देखो यार, ग्रास कितनी सही लग रही है। ऐसे लग रहा है अपने दांतों पर राख मल के आया ये। ओ भाई, ये तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए। वाओ, ओके। सो अब मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इस हॉर्स को। ओ ओके, लेफ्ट जॉयस्टिक से आप स्वॉर्ड की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, किधर अटैक करना है ये डिसाइड कर सकते हो। ओ पड़ी इसको, ओके। ओ भाई, बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत डिफरेंट लग रहा है। बेसिकली ये हैबिट है गन्स वगैरह से फाइट करने की फोर्टनाइट और पबजी जैसी गेम्स में, बट यार स्वॉर्ड से फाइट करना, कटाना से फाइट करना अलग ही चीज़ है। ओके, यहाँ पर एक बार ही मैं थोड़ा सेटिंग्स में जाकर HDR को चेंज करके देखता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या कुछ कलर प्रोफाइल में चेंज दिखता है हमें। एंड अब मैंने HDR ऑफ कर दिया यहाँ पे। ओके सो गाइज, अब आप लोग डिसाइड करके एक बार मुझे बताओ कि आप लोगों को कुछ चेंज लग रहा है HDR ऑन और ऑफ में। आई थिंक HDR ऑन विथ 75% ब्राइटनेस एकदम परफेक्ट था। ओके, इससे मैंने डॉज कर लिया L1 से। ओके, मैं ही मार रहा हूँ सिर्फ, ये खड़ा खड़ा क्या कर रहा है नल्ला। ओके सो गाइज, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गेम प्ले। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी एंड एक चैलेंज लेके आऊँगा बहुत डिफरेंट सा, जो गेमिंग कम्युनिटी में तो किसने नहीं किया अभी तक, और वो मैं इंस्टाग्राम पर पहले बता दूंगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं ऐसा कौन सा चैलेंज लेके आऊँगा
तो फटाफट से वहाँ पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम हैंडल ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आई एम टेक खुराना। एंड यस पुनीत भैया से बात कर लेना अगर आपको परचेज करनी हो ये गेम, तो आपको वो डिलीवर भी करवा देंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदियोस। सुल्तान, अबे रुक, ए सुल्तान, ए ए ए क्या कर रहा है, अबे क्या लगता है भाई।